एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताइए। बुद्ध बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने वो पानी पीते ही कहा, बहुत ही खराब, एकदम खारा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को इस झील में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। बुद्ध ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है, क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? युवक बोलता है, नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। बुद्ध युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, न इससे कम न ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद के मन को बड़ा कर लो। सुखी वही है जो सदा संतुष्ट है।